guys, welcome back to my channel. Hope you all are doing good. Today I want to share with you a makeup tutorial. वो है teenager girls के लिए specially, क्योंकि teenagers को you know बहुत ज़्यादा loud makeup अच्छी नहीं लगती. Simple, basic, soft makeup look बहुत अच्छी लगती है. So चलिए फटाफट से start करते without wasting much time. And let me tell you one thing कि मैंने face पर apply की है, like 2 घंटे हो चुके हैं. मैंने apply की थी you know good vibes की multivitamin cream, बहुत अच्छी क्रीम है. एंड लोटस का जेल मैट वो आती है ना सनस्क्रीन, वही लगाई थी, दैट्स इट. वैसे क्लियर ही है तो मैं फेस को वॉश नहीं करूँगी. एंड प्राइमर वगैरह बिल्कुल ना लगाए, हम मेकअप स्टार्ट करेंगे. सबसे पहले हम अप्लाई करेंगे बीबी क्रीम. तो उसके लिए मेरे पास है स्टे क्विकी की बीबी क्रीम एंड माई शेड इज दिस इज 02 आई गेस ड्रॉट बियर्ड. ठीक है, बहुत अच्छी बीबी क्रीम है. तो हैंड पर मैं थोड़ा सा ले लूँगी. That's it. See, shade बिल्कुल perfect है मेरे according. So dot dot करके पूरे face पर आप लगा ले. ये वाली जो makeup look मैं आपको दिखाऊंगी आज, वो आप ना किसी भी छोटे मोटे function में भी आपका काम चल जाएगा. Date night पर जा रहे हो तो भी काम चल जाएगा. And कहीं पर घूमने जा रहे हैं मार्केट वगैरह शॉपिंग के लिए भी आप ऐसा वाला लुक क्रिएट कर सकते हो. सो इसको जल्दी जल्दी से आप ब्लेंड कर दो हैंड के साथ ही. हैंड्स के साथ ही आप ब्लेंड करें, ठीक है, क्योंकि आप टीनेजर हो तो आपके पास उतना ज़्यादा टूल्स होगा नहीं, ब्यूटी ब्लेंडर एंड ऑल, और रोज़ रोज़ कहाँ आपके पास टाइम होगी दोस्तों. अच्छे से ब्लेंड करना ताकि कोई भी यू नो देखने से पता ना चले कि आपने मेकअप अप्लाई की है. और नेक पर तो ज़रूर लगाना, बिल्कुल भी स्किप ना करना. सो फ्रेंड्स, आई हैव अप्लाइड द बीबी क्रीम ऑल ओवर माई फेस एंड नेक. ठीक है, आप देख रहे हो काफ़ी सिंपल सी यू नो बेस बन गई हमारी. बहुत ही शियर कवरेज देती है ये वाली बीबी क्रीम एंड दिस इज़ रियली नाइस. ओके, सो इसको सेट करने के लिए अब हम लगाएंगे कॉम्पैक्ट. सो उसके लिए आज मेरे पास है मेबलिन का सुपर फ्रेश कॉम्पैक्ट एंड माई शेड इज पर्ल. ठीक है, एंड इसको मैं इसके साथ जो पफ आती है उसके साथ ही अप्लाई करूँगी. आप ब्रश के साथ भी अप्लाई कर सकते हो. आप टीनेजर हो तो ब्रश आपके पास नहीं भी हो सकता है, इसलिए मैं पफ के साथ ही लगाऊंगी. बस सेट कर दे आप अपनी बीबी क्रीम को. और जहाँ भी आप जा रहे हो मेक श्योर आप ये कॉम्पैक्ट ज़रूर कैरी करना, क्योंकि फेस ऑयली हो जाएगी तो आप इसको दोबारा पैट कर सकते हो. ठीक है, सो या वी आर डन. एंड अब हम करेंगे ब्राउज को फिल. ब्राउज को आपको ज़्यादा फिल नहीं करना है, बस हल्के हल्के से आपको स्ट्रोक डालनी है ताकि एक नेचुरल लुक बनी रहे. सो उसके लिए मेरे पास है नायका की आईब्राउ मस्कारा, बहुत अच्छी प्रोडक्ट है. ठीक है, बिगनर्स हो तो आपके लिए तो ये सही वाला प्रोडक्ट है, लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आप कोई भी डार्क ब्राउन आई शेडो के साथ भी कर सकते हो, जैसे कि ऐसा वाला कलर्स के साथ भी आप कर सकते हो. ठीक है, लेकिन आई एम कम्फर्टेबल विद दिस प्रोडक्ट. तो ब्राउज को हम थोड़ा सा ड्रॉ करेंगे. That's it. इससे ज़्यादा हम नहीं करेंगे.
एंड अब बारी आती है आई शेडो की. आई शेडो के लिए मेरे पास है वेट एंड वाइल्ड की रोज इन द एयर आई शेडो पैलेट. बहुत सही वाली पैलेट है दोस्तों एंड बहुत ज़्यादा प्राइजी भी नहीं है. एंड आप एक पैलेट परचेस करेंगे तो आपकी यू नो मल्टी टास्किंग हो जाएगी, लाइक हाईलाइटर ब्लश एंड ऑल एवरीथिंग इसके अंदर है. ठीक है, सो आपको बार बार बिगिनर्स हो तो आप एक ही पैलेट से काम चला सकते हो. कॉन्टोरिंग भी पाउडर आपको यहाँ से मिल जाती है. तो आज हम लगाएंगे नेचुरल सी शेड, ये वाली शेड लगाएंगे सिर्फ और कुछ नहीं. सो ब्रश के साथ मैं अप्लाई करूँगी. एक बेसिक सा ब्रश आप ले लो, ठीक है, नहीं है तो आप फिंगर्स के साथ ही लगा लो, कोई नहीं, आप बस इसको डैप कर लें एंड जस्ट नॉर्मली. बहुत पिगमेंटेड है ये आई शेडो, सो मेक श्योर आप थोड़ी सी अमाउंट में ही ले एंड बस आपको ऐसे ही इसको अप्लाई करना होता है, दैट्स इट. और थोड़ा सा हम इसमें लेंगे ब्रश में एंड दैट्स इट. बहुत क्लीन सी लुक हो गई है हमारी आई शेडो की. और ज़्यादा तामझाम ना करें आप, क्योंकि आप टीनेजर हो तो अच्छी नहीं लगेगी. एंड अब हम करेंगे आईज़ को यू नो बोल्ड थोड़ा सा लुक देंगे. उसके लिए हमें चाहिए होगा काजल. सो डियर, काजल के लिए मेरे पास है फेसेस की ब्लैक नॉर्मल काजल. आप कोई भी काजल यूज़ कर सकते हो, ब्लैक हो चाहे ब्राउन हो, ठीक है. सो आप नीचे लगा लें हल्के हाथ से वाटर लाइन पे. दैट्स इट. ओके, अब हम क्या करेंगे, हम ऊपर लगाएंगे लेकिन बहुत हल्के हाथ से, ठीक है. एंड कोशिश करें आप यू नो यहाँ पर लगाए लाइक टाइट लाइन करें आप. एंड थोड़ी सी मैं जस्ट यहाँ पर थोड़ी सी काजल को अप्लाई करूँगी एंड फिंगर्स के साथ ही थोड़ा सा स्मच कर दूँगी, दैट्स इट. सॉफ्ट लुक आ जाएगी एंड हल्की सी यू नो डिफाइंड हो जाएगी आपकी आईज. बस दैट्स इट. सो डियर, आप देख रहे हैं कितनी बेसिक सी आई लुक मैंने क्रिएट की है. एंड नाउ वी विल अप्लाई मस्कारा. मस्कारा के लिए यहाँ पर है मेरे पास द कोलोसल मस्कारा. बहुत पुरानी वाली प्रोडक्ट है, बहुत अच्छी वाली प्रोडक्ट है, अफोर्डेबल तो है ही, तो डेफिनेटली मैं आपको रिकमेंड करूँगी ये वाला मस्कारा लगाने के लिए. कर्ल वगैरह करने की कोई ज़रूरत नहीं है, उतना टाइम तो रोज़ रोज़ किसी के पास होता भी नहीं वैसे, तो आप मस्कारे को अप्लाई कर लें, लेकिन टिप जो है वो क्लीन कर लें अप्लाई करने से पहले. तो देखो आप डिफरेंस. दैट्स इट. एंड नीचे हम नहीं लगाएंगे, आप चाहे तो लगा सकते हैं वैसे. ओके, सो अब बारी आती है ब्लश की. ब्लश हम थोड़ा सा लगाएंगे. सो फ्रेंड्स, ब्लश के लिए मैं यूज़ करूँगी वेट एंड वाइल्ड की कलर आइकॉन ब्लश. एंड शेड जो है वो है फंटेस्टिक प्लास्टिक पिंक. अच्छी वाली ब्लश है एंड आपको अलग से हाइलाइटर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें ऑलरेडी ग्लिटर्स है. आई डोंट नो कैमरा पिक कर पा रही है या नहीं, बट इसमें ग्लिटर्स है. सो या
दैट्स इट, ठीक है। और अब हम लगाएंगे सबसे लास्ट वाला स्टेप, वो है लिपस्टिक। लिपस्टिक आप स्किप भी कर सकते हो, आप टीनेजर है तो आप टिंटेड लिप बाम भी लगा सकते हो, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा लिपस्टिक लगाना प्रेफर करती हूँ, अच्छी वाली लुक आ जाती है। एंड यू कैन अप्लाई न्यूड लिपस्टिक्स और यू कैन ऑल्सो अप्लाई पिंक लिपस्टिक्स, बहुत अच्छी लगेगी, फ्रेश लगेगी। एंड मेरे पास आज है ये वाली शेड, दिस इज़ अ कोरलिश सॉर्ट ऑफ पीची सॉर्ट ऑफ कलर एंड दिस इज़ बाय मेबलिन, ये है मैटिंग का कलेक्शन एंड 130 सेल्फ स्टार्टर इज द शेड, ठीक है, वो हम अप्लाई करेंगे। सो डियर, मैंने वेयर की है लिपस्टिक, आप देख सकते हो, एंड दिस इज़ द फाइनल लुक। मैं चेंज करके आपको फाइनल यू नो लुक दिखा रही हूँ, ठीक है। सो हे गाइज, आई एम रेडी एंड मैंने ड्रेस वोर की है, नीचे जीन्स एंड ऊपर टी शर्ट, एंड दिस इज टी शर्ट मैंने नीचे से यू नो टाई कर ली है एंड एक हेयर बैंड लगा ली है मैंने। सो टीनेजर हो आप तो सिंपल लुक ही बहुत अच्छी है, आप बैक पैक के साथ इस लुक को कंप्लीट कर सकते हो, एक स्पेक्स डाल सकते हो एंड यू विल लुक ऑसम। सो या गाइज, आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो, वीडियो पसंद आए तो डू लाइक कमेंट्स एंड शेयर एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल, उसके पास एक बेल आइकन है ज़रूर दबाना। जितने भी प्रोडक्ट्स मैंने यूज़ किए हैं सारा का सारा यू नो लिंक्स डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप चाहे तो चेकआउट कर सकते हो। एंड वीडियो पसंद आए तो डू लाइक कमेंट्स एंड शेयर एंड डियर और क्या बाकी है, या कुछ नहीं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड।